यहाँ फ्रेंड्स हमने एक चेन में यहाँ से यहाँ तक हमने 10 स्टिच बना लेने हैं डबल क्रोशिया से। तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस। और 10 फ्रेंड्स हमने इस वाली चेन में बनाने हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस। ये देखिए इस तरह से आ जाएगा ये। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट रो है जो हमारी, ये एज इट इज बनानी है हमने। 20 स्टिच हैं तो 20 स्टिच डबल क्रोशिया से बना लेने हैं। बीस स्टिच फ्रेंड्स ये बना लिए, दो रो हो गई हैं यहाँ पे हमारे। अब तीसरी रो बनानी है, तो तीसरी रो कैसे बनानी है ये देखिए। एक स्टिच ऐसे लगा लेंगे, इसके बाद यहाँ पे एक चेन करेंगे। यहाँ स्टिच हमने कोई नहीं छोड़ना नीचे से, और एक एक चेन करते जाना है और एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखिए इस तरह से एक चेन कर लेंगे, यहाँ हम कोई स्टिच नहीं छोड़ेंगे, तो एक चेन बना, एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए चेन बना लेंगे बिना कोई स्टिच छोड़े, यहाँ एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट हमने क्या करना है फ्रेंड्स देखिए, यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, सात स्टिच हमने इधर से छोड़ने हैं, सात इधर से छोड़ने हैं। ये देखिए ये कैसे स्लिप स्टिच से कर लेंगे इनको। एक, ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात। सात स्टिच बनाने के बाद ये सात स्टिच इधर से छोड़ देंगे। ये देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात। ये मार्कर लगा दिया मैंने यहां से। अब सेंटर वाला पीस बुनना है हमने। यहां पर दो चेन बना लेंगे। ये देखिए यहां पर एक स्टिच बनाएंगे, फिर इसके अंदर बनाएंगे, फिर इसके ऊपर बनाएंगे, अब अंदर बनाएंगे, अब इसके ऊपर बनाएंगे। ऐसे ही पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये हमारे पास 11 स्टिच बन गए हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट रो पे आ गए हैं। नेक्स्ट रो भी हमारी सेम इसी तरह से बनेगी। नेक्स्ट रो फ्रेंड्स हमने कैसे बनानी है देखिए, एक चेन करेंगे, दो चेन करेंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन करेंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन,
फिर डबल क्रोशिया। पूरी रो इसी तरह से बनाएंगे। देखिए ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स यहां से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चेन बना ली है। तो एक दो तीन स्टिच छोड़ेंगे, यहां आ जाएंगे, यहां इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए एक स्टिच हम ऐसे बना लेंगे, अब सिंगल क्रोशिया से एक ऐसे बना लेंगे। ये दो स्टिच हमने इधर वाले छोड़ देने हैं, वापस घुमा लेंगे। अब क्रोशिया हुक के धागे को रैप करेंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह। ये देखिए 14 डबल क्रोशिया बना लिए यहां हमने। अब ये वाला स्टिच है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ एक स्टिच छोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। एक दो तीन चार डबल क्रोशिया। अब फ्रेंड्स ये दो छोड़ के यहाँ आ जाएंगे। एक दो तीन चार, ये दो छोड़ेंगे यहाँ आएंगे। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अब ये लास्ट वाला स्टिच है, इसके ऊपर एक बार ऐसे अब फ्रेंड्स यहां पर हमने फिर से 10 चेन बनानी है। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, 10 चेन बना ली। एक दो तीन चार यहां पर आ जाएंगे, यहां पे इस तरह से टक कर लेंगे और एक स्टिच ऐसे लगा लेंगे। ये देखिए इधर से हमने ये दो स्टिच छोड़े हुए हैं, तो दो स्टिच यहां छोड़ लेंगे। यहां से वापस ये इतना पोर्शन जैसे इधर से छोड़ रखा है, इधर से भी हमने छोड़ देना है। अब यहां क्रोशिया हुक पे धागा लेंगे और 14 स्टिच बना लेंगे। दो तीन चार
पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, चौदह स्टिच बना लिए। अब इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये पहले जो चार स्टिच लगाए हैं इनको, इनके अंदर एक दो छोड़ेंगे, तीसरे में आ जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, छः स्टिच। पहले चार बनाए हैं, अब छः बनाएंगे। इसमें भी ये पूरी रो में ऐसे छः छः स्टिच बनाते जाएंगे। ये दो रो फ्रेंड्स हमने चार चार वाली बनाई है, नेक्स्ट छः वाली बनाई है, नेक्स्ट रो हमारी आठ वाली आएगी। उसके बाद फ्रेंड्स हमने दस दस स्टिच बनाने हैं, तो उसके बाद हमने डिजाइन को चेंज करना है। तो ये दस तक बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे बनाया। इस रो में हमने आठ आठ स्टिच बनाने हैं। ये फ्रेंड्स दस स्टिच वाली रो मैंने पूरी कर ली है। अब आगे क्या करना है, यहाँ दो चेन बनाएंगे और ये देखें एक स्टिच बना लेंगे। इसके बाद फिर एक चेन करेंगे, दो स्टिच छोड़ेंगे, यहाँ आ जाएंगे, सॉरी दो चेन करेंगे, दो चेन करेंगे, दो स्टिच छोड़ेंगे, तीसरे में टक कर लेंगे, फिर दो चेन करेंगे, तीसरे में टक कर लेंगे, पूरी रो इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ आगे एक स्टिच, ये एक स्टिच यहाँ टक कर लेंगे, एक ये छोड़ना है, एक ये छोड़ना है, तो यहाँ आ जाएंगे। ये रो कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट रो में हमने क्या करना है, देखिए दो दो चेन करके पहले वाले, ये देखिए यहाँ दो चेन बना रखे हैं हमने, इसमें दो स्टिच बना लेंगे एक साथ। इसके बाद यहाँ आ जाएंगे, दो स्टिच बना लेंगे एक साथ, पूरी रो इसी तरह बना लेनी है।
नेक्स्ट रो पे आ गए। तो नेक्स्ट रो पे साइड में दो चेन करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दो स्टिच बना लेने हैं, एक दो। उसके बाद हमने ये वाले दो स्टिच छोड़ देने हैं, तो यहाँ आ जाना है। अब देखिए ये छोड़ के यहाँ से ये देखिए इस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह की हमने एक दो तीन चार चार रो बना लेनी है सेम इसी तरह। इस डिजाइन से भी फ्रेंड्स हमने चार रो बना ली हैं। ये देखिए एक दो तीन चार। अब हमने इसकी लास्ट रो बनानी है, तो यहाँ पर मैंने एच बनाया है। तो एच किस तरह बनाया है वो बताती हूँ आपको। यहाँ एक चेन कर ली, तो ये पहले वाला जो हमारा ये वी शेप है, तो इसी में हमने छह स्टिच बनाने हैं। एक दो तीन चार पांच छह, छह स्टिच बनाएंगे। नेक्स्ट हम छोड़ देंगे, फिर से छह स्टिच बनाएंगे। ये छोड़ देंगे, यहां बनाएंगे। ये एक एक छोड़ते जाना है, तो एक में छह छह स्टिच बनाते जाना है। लास्ट में फ्रेंड्स ये जो चेन है यहाँ पर हमने एक स्टिच बना लेना। ये कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ थ्रेड को काट देते हैं। इस थ्रेड को हमने पीछे टक कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बार्बी डॉल बनके तैयार है। अब आप
बना के देखिए और फीडबैक मुझे जरूर दीजिए कि आपको कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।